संत जन कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर आप जीवन में कुछ ना कर पाओ, सिर्फ सत्य बोल रहे हो, तो उससे बड़ा कोई तप नहीं है, उससे बड़ा कोई उससे बड़ा तप नहीं है। एक बार एक शिकारी ने एक सुअर को मारा बाण। वो सुअर उस बाण को लगे लगे दौड़ता हुआ आया और इस बालक उत्तत के सामने से निकल गया। अब उसको अभी थोड़ा ही बाण लगा था, वो अगर गिर जाता तो वो बच भी जाता, वो मजबूत होता है। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया और ये बैठा हुआ था, इससे पूछा, अच्छा ये बताओ उस सुअर को तुमने देखा जिसको मैंने बाण मारा? अब ये मन में सोचने लगा कि अगर मैं सत्य बोलता हूं तो उसकी मृत्यु होती है, और नहीं बोलता हूं तो फिर मेरी प्रतिज्ञा क्षीण होती है, क्या किया जाए। तो इसने कहा हाँ हाँ, लेकिन जिसने देखा वो बोल नहीं सकता आंखें। बोला महाराज सुनो, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है, तो मैं क्या करूं भाई? जवान बोल सकती है, उसने देखा नहीं है, और जो जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता। आप देखिए आपका काम, सत्य वहां टिक गया। दर्शन आता है कि जब वो सुअर का बच्चा निकला तो इसके मन से एक बीज मंत्र निकला, अइंग। उसको देखते से ही इसके अंतःकरण से आवाज निकली अइंग, जो नवा मंत्र का पहला बीज मंत्र है। और सिर्फ उससे जगदम्बा प्रसन्न हुई, और इसका जो जीवन था, जो मूर्खता बड़ा था, माने इसके सत्य को देखा और प्रकट होकर इसको आशीर्वाद दिया, और ये परम ज्ञानी बन के अपने जीवन को जीता है। बोलिए मात की जय। मतलब कहने का, आपके जीवन में कोई कमी है, कोई रह गई है, हर किसी के जो हम करके आए हैं वो कमी लेकर आए हैं, लेकिन उनको पूरा कर सकते हैं भगवती जगदम्बा की परम कृपा से, वो कार्य पूरा किया जा सकता है, जीवन में उतारा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा।